सो आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ब्रैकियोपोडा एंड इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और फॉसिल्स ऑफ द ब्रैकियोपोड्स। प्रायर टू डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस वी विल डिस्कस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। एज यू नो दैट वी हैव डिफाइंड टू वॉल्व इन ब्रैकियोपोड्स। द वॉल्स आर इक्विलेटरल बट दे आर अनइक्वल। सो वैन दे आर जॉइंटेड एट पोस्टीरियर मार्जिन एंड दैट मार्जिन क्रिएट्स ए लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट विच वी हैव डिफाइंड ए हिंज लाइन एंड परपेंडिकुलर। वैन वी ड्रॉ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट हिंज लाइन इट विल यील्ड ए बाइलेटरल सिमेट्री। सो जैसे अपने हाथ में बाइसेप और ट्राइसेप है, सो बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अपना हाथ क्लोज होता है और जब ट्राइसेप एक्सटेंड करती है तो हमारा हाथ है वो ओपन होता है। तो ऐसे ही ब्रैकियोपोड में भी आपके क्या होती हैं, दो मसल्स होती हैं, एडक्टर मसल एंड डिडक्टर मसल। जब एडक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों वॉल्स हैं वो क्लोज होते हैं और जब डिडक्टर मसल एक्सटेंड होती है तब जो दोनों वॉल हैं वो ओपनिंग पोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, सो एडक्टर मसल की हेल्प से ब्रैकियोपोड अपने वॉल्स को क्लोज करता है और डिडक्टर मसल की हेल्प से ब्रैकियोपोड अपने वॉल्स को ओपन करता है। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो ब्रैकियोपोड का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली उसके डेंटिशन पैटर्न के बेसिस पे है। ब्रैकियोपोड में जैसे अपन ने डिफाइन किया था कि मान लो ये ब्रैकियोपोड का ऑर्गेनिज्म है, ये एक वॉल है और ये दूसरा वॉल है। तो हर वॉल के अंदर क्या होते हैं कि ईच वॉल कंटेनिंग वन टीथ एंड द सॉकेट ऑफ दैट टीथ इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन अनदर वॉल, राइट। सो इसमें क्या होगा कि डेंटिशन पैटर्न के बेसिस पे अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं मेनली। सो दोज फॉर्म्स विच कंटेन डेंटिशन सिस्टम और विच पजेस डेंटिशन सिस्टम कॉल्ड इनआर्टिकुलेटा एंड फॉर्म्स विच पजेस डेंटिशन सिस्टम इज कॉल्ड आर्टिकुलेटा। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑन ब्रैकियोपोड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ब्रैकियोपोड इज ए फाइलम। सो वैन वी क्लासीफाई ब्रैकियोपोडा वी विल गेट क्लासेज एंड वैन वी क्लासीफाई दीज क्लासेज वी विल गेट ऑर्डर्स, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस डिटेल इन डिटेल द बोथ द क्लासेज। सो इन क्लास इन आर्टिकुलेटा दे इन्वॉल्व ऑल दीज फॉर्म्स विच लैक्स डेंटिशन सिस्टम एंड द ऑर्डर ऑफ इन आर्टिकुलेटा इज एट्रीमेटा, राइट। सो ए मीन्स एबसेंट, ट्रेमा मीन्स ओपनिंग एंड एटा मीन्स करेक्टराइज बाई, राइट। लाइक इन इकाइनोडर्मेटा आई हैव डिफाइंड दैट इकाइनोज मीन्स स्पाइंस, डर्मा मीन्स स्किन एंड एटा मीन्स करेक्टराइज बाई। सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर करेक्टराइज बाई स्पाइनी स्किन कॉल्ड इकाइनोडर्मेटा। सो सिमिलरली इन इन आर्टिकुलेटा फॉर्म्स देर इज ए ऑर्डर एट्रीमेटा which includes all those organisms which are characterized by absence of pedicle opening, absence of pedicle opening, right. So there are two examples, Lingula and Trimerella. Age is Cambrian to recent. Lingula is considered as living fossil, right. So we will discuss a bit about living fossil, the conceptual part of the living fossil. Likewise, the modern representative of Lingula in oceans and the fossil representative of Lingula, if they do not show any kind of phylogenetic relationship or any evolutionary relationship among the fossil representative and the living representative. मतलब क्या है कि जो Lingula का fossil मिल रहा है और जो Lingula present time में अपने को living form में मिल रहा है उसके अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी या उसके स्ट्रक्चर्स में किसी भी तरीके का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो उसको आप क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। ठीक है, सो लिविंग फॉसिल बोलने के लिए सबसे जो बेसिक कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि दे द फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव एंड द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव मस्ट नॉट पजेज एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, याद आ रहा होगा वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में डिस्कस किया हुआ है
देख लेना है ना। सो अगर हम कैम्ब्रियन टू रिसेंट लिखते हैं एज या कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट डे लिखते हैं, वो दोनों का मतलब एक ही है। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी राइट कैम्ब्रियन टू रिसेंट और कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट डे। बट टू कॉल एन मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव एज ए लिविंग फॉसिल वी मस्ट ऑब्जर्व द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अगर मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव और फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी तरीके का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं, तब आप उसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अपन पढ़ेंगे तो इसमें भी इसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका। जो दूसरा ऑर्डर है, पहला तो क्या हो गया एट्रेमेटा, दूसरा क्या है न्यूट्रेमेटा। न्यूट्रेमेटा उन सारी फॉर्म्स को इंक्लूड करती है जो इनिशियल स्टेज पे, यंगर स्टेज पे पेडिकल ओपनिंग को शो करती है, ठीक है। ऑल दोज फॉर्म्स विच पजेज पेडिकल ओपनिंग इन यंगर स्टेज ओनली, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है डायसिना एंड एज इज कैम्ब्रियन टू रिसेंट, सो कीप इन माइंड। नाउ वी विल डिस्कस द क्लास आर्टिकुलेटा। सो आर्टिकुलेटा क्लास इज फॉर्म्स विद डेंटिशन सिस्टम, वो सारी की सारी आपकी क्या है आर्टिकुलेटा। नाउ इसमें आपके तीन ऑर्डर हैं मेनली, पेलियो, प्रोटेरो प्रोटेरोमेटा एंड टेलीट्रोमेटा। सो पेलियोट्रोमेटा में क्या होगा कि जो ओल्डर फॉर्म्स होंगी उनके अंदर पेडिकल ओपनिंग होगी, उसका एग्जाम्पल है रेस्टेला एज एज के लोअर कैम्ब्रियन। प्रोटेरोमेटा होंगे उसके अंदर स्यूडोडेल्टियम, अच्छा अपने बोला था कि पेडिकल ओपनिंग एक ट्राइंगुलर ओपनिंग से भी निकलती है, ठीक है। पेडिकल ओपनिंग कम्स थ्रू आउट द ट्राइंगुलर ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड डेल्थेरियम। और जब पेडिकल ओपनिंग उस ट्राइंगुलर ओपनिंग से नहीं होती है, देन दिस ट्राइंगुलर ओपनिंग इज कवर्ड और इनक्लोज्ड बाई टू कैल्साइट प्लेट्स विच इज़ कॉल्ड डेल्टेरियम, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल में। और जब सिर्फ एक ही कैल्साइट प्लेट हो तब उसको आप क्या बोलते हैं, स्यूडो डेल्टीडियम। सो वो सारी फॉर्म्स जिनके अंदर एक स्यूडो डेल्टीडियम होता है उनको आप क्या बोलते हैं, प्रोट्रीमेटा। एग्जाम्पल है प्रोडक्टस और इसकी एज है कैम्ब्रियन टू क्रिटेशियस। नाउ टेलोट्रीमेटा में क्या होंगी कि ये सारी वो फॉर्म्स को इंक्लूड करेगा जो हाईली मॉडिफाइड हैं इन टर्म्स ऑफ पेडिकल ओपनिंग एंड ब्रेकियल स्केलेटन। एग्जाम्पल इसका एक स्पायरीफर एज है सिलूरियन टू परमियन, सो कीप इन माइंड ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस द इकोलॉजी। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द ब्रेकियोपोड्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, मेराइन एंड सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो सेसाइल मीन्स द ऑर्गेनिज्म विल अटैच इट सेल्फ टू द सबस्ट्रेट। सो इट मे अटैच विद हेल्प ऑफ पेडिकल, राइट। इट मे अटैच इट सेल्फ विद हेल्प ऑफ वेंट्रल वॉल और एनी टू अदर कंडीशंस वी विल लुक इन टू इट। नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस पेडिकली अटैच्ड। सो ब्रेकियोपोड्स अटैच टू सी फ्लोर बाई मीन्स ऑफ पेडिकल ऑन जनरली डेड ऑर्गेनिजम्स और रॉकी बॉटम। एक अब इसमें बताता हूँ कि जैसे ये आपकी रॉकी बॉटम है या ओशन फ्लोर है, इसके ऊपर जो ब्रेकियोपॉड है वो अपने आप को अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये अटैच किया हुआ है, ये डोर्सल वॉल है और ये वेंट्रल वॉल है, ठीक है। तो ये पेडिकल है। अब मान लो सेडिमेंटेशन हुआ और दिस ब्रेकियोपॉड गेट बरीड। सो नाउ दिस ब्रेकियोपॉड विल यूज इट्स पेडिकल एज एन एलिवेटर, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपनी पेडिकल को एलिवेटर की फॉर्म में यूज़ करेगा और अपने आप को ऊपर उठा लेगा, ठीक है। तो पेडिकल के कई सारे यूजेज हैं, सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब जो पेडिकल, जो क्या होता बोला था, एक फ्लेशी स्टेक है, एक मसल है जो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वाटर करंट को विद स्टैंड कर पाए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा है एनक्रेस्टेड। एनक्रेस्टेड का मतलब है कि जब आर्टिकुलेट फॉर्म्स सब स्ट्रेट से अपने आप को अटैच करती हैं विद हेल्प ऑफ वेंट्रल वॉल। इसका एक एग्जांपल है स्ट्रोफोमेनिड्स, ठीक है। और सेमी इनफोनल और सेमी ब्रोइंग का एक मतलब क्या है
कि जो ब्रेकिपोड की कंप्लीट बॉडी है वो पार्शियली ब्रोइंग कंडीशन में होगी और पार्शियली सरफेस पे होगी, ठीक है। तो ना तो वो कम्प्लीटली एपिफोनल होगा ना वो इनफोनल होगा, दैट विल बी ऑन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, राइट। नाउ वी विल डिस्कस फ्री लाइंग। जब पेडिकल ओपनिंग क्लोज होगी तब वो क्या होते हैं, ब्रेकियोपोड्स फ्री लाइंग करते हैं आपकी ओशन फ्लोर पे। इसको आप क्या बोलते हैं, फ्री लाइंग। इसके एग्जांपल है स्पायरोफिट्स एंड ऑर्थिड्स। देन सिग्निफिकेंस अपन डिस्कस करेंगे। अब अपने को पता है कि जो ब्रेकियोपोड है, इसका जो सेल है ये आपका क्या ऑर्नामेंटेड है, ऑर्नामेंटेड विद हेल्प ऑफ कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन और रेडिएटिंग लाइंस, सो दिस विल सर्व एज ए पर्पज़ ऑफ ऑर्नामेंटेशन। अब ऑर्नामेंटेशन सेल का क्या होगा, जितना स्मूथ होगा उतना ही ये क्या करेगा, वाटर करंट से जो फ्रिक्शन होगा उसको कम करेगा और जो सेल है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, एक पॉइंट। दूसरा है कि जितना वेल ऑर्नामेंटेड होगा सेल उतना ही वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ऑर्नामेंटेशन के दो फायदे हैं इसको, एक है मिनिमाइज द फ्रिक्शन एंड एनहांस स्टेबिलिटी, एंड सेकेंड इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो एग्जाम्पल इसका रिंकोनीला, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नाउ वी विल सी द कमीसर। कमीसर अपन ने सिंपली डिफाइन किया था कि जब एंटीरियर मार्जिन पे आपके दोनों वॉल मिलते हैं तो एक लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट होती है, उस लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट को आप क्या बोलते हैं, कमीसर। अब उस लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में अगर आपको अप थ्रोन है तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्लीका, और डाउन थ्रोन है तो इसको आप क्या बोलते हैं, सल्कस, ठीक है, सल्कस। या फिर क्या होगी, आपकी जो कमीसर हो वो स्ट्रेट होगी, ठीक है, स्ट्रेट होगी। तो स्ट्रेट जब कमीशर होती है वो आपकी हाई एनर्जी कंडीशंस को इंडिकेट करती है। दूसरा, अगर फोल्डेड कमीशर होगी इस तरह की, सल्कस और प्लीका अगर उसके अंदर होंगे तो वो सजेस्ट करेगा कि एनर्जी कंडीशंस जो हैं वो लो रही होंगी, और अगर जिग जैग कमीशर है तो वो टर्बिडिटी कंडीशन को शो करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कमीशर के लिए। नाउ वी विल डिस्कस पेडिकल ओपनिंग। सो द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द पेडिकल ओपनिंग इज डायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन द वाटर एनर्जी कंडीशंस। एनर्जी कंडीशंस ज़्यादा होंगी तो पेडिकल की थिकनेस कम हो, थिकनेस ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी, और अगर वाटर एनर्जी कंडीशन कम है तो पेडिकल की लेंथ ज़्यादा होगी और उसकी थिकनेस कम होगी, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये पेडिकल की इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, पेडिकल की लेंथ ज़्यादा है और वाटर कंडीशंस जो हैं, जो प्रिवेलिंग वाटर कंडीशंस हैं वो हाई हैं, ठीक है। अगर वाटर प्रिवेलिंग वाटर कंडीशंस हाई होंगी तो क्या होगी, पेडिकल यहाँ से टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। सो टू विद स्टैंड टू द हाई एनर्जी कंडीशंस द पेडिकल हैज़ टू बी थिक एंड स्मॉल, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो दोनों कंडीशन में आपके क्या हो जाएंगे कि हाई एनर्जी कंडीशन होगा तो पेडिकल विल बी शॉर्ट एंड थिकर, एंड इन लो एनर्जी कंडीशंस पेडिकल विल बी लार्ज एंड थिनर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सेलिनिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ब्रेकियोपोड्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिजम्स एंड दीज दे लिव ऑन द ओशन बॉटम और दे आर सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, सो दे विल इंडिकेट ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेलिनिटी, बट दे आर स्टेनोहेलाइन विच मीन्स दे लिव इन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेलिनिटी, राइट, विच मीन्स दे डू नॉट टॉलरेट चेंज इन सेलिनिटी। सो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम और ऑर्गेनिजम्स आर स्टेनोहेलाइन, है ना। सो कीप दिस इन माइंड दैट द ब्रेकियोपोड्स आर स्टेनोहेलाइन, राइट। सो इसको ध्यान में रखेंगे। एक ये एक जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ज़्यादा है नहीं, जैसे ये लिंगुला दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो लिंगुला की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक बताइए, अब कंप्लीट रेंज है कैम्ब्रियन टू क्वाटनरी रिसेंट तक, ठीक है। फिर यहाँ पे पेंटामेरस है, प्रोडक्टस है, स्पायरिफर है, तो इनको आप देख लेना एक बार,
और वीडियो पॉज करके आराम से इसको बना लेना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फॉसिल्स ऑफ ब्रेकियोपोड्स। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि लेंगोला ब्रेकियोपोड्स है, इसकी एज ये है और ये लिविंग फॉसिल है। सो वी डू नॉट नीड टू कंसिडर दीज करेक्टरिस्टिक्स। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क अस कि लेंगुला में हिंज लाइन थिक होती है कि थिन होती है, कि स्ट्रेट होती है, कि कर्व्ड होती है ना। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस अपने पास है नहीं, क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम पढ़ लो या सब्जेक्टिव टाइप की, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली अप्लीकेटिव पोर्शन पे आ रहे हैं, ठीक है। सो आप ये ध्यान में रखना कि एज इम्पोर्टेंट है, कौन से फॉसिल हैं, कौन से फाइलम के इम्पोर्टेंट फॉसिल्स कौन से हैं और इनकी एज क्या है, ठीक है। और जैसे लेंगुला के लिए ये एक लिविंग फॉसिल है, तो ये इसके लिए एक करेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। और शायद इसके बेसिस पे गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ फॉसिल्स ये हैं, आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना और एज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।